सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में मरीजों पर प्रयोग होने वाले किसी भी तरह के सर्जिकल सामान को बायोमेट्रिक वेस्ट कहा जाता है। भारतीय कानून के अनुसार इस बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकना कानूनन अपराध है। इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से खत्म करने के लिए प्लांट तथा एजेंसियों को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है, जिनका काम अस्पतालों को विशेष रूप से उपलब्ध करवाए विशेष कचरे के डिब्बे में से एकत्रित किए सामान को अपने प्लांट में ले जाकर वैज्ञानिक तरीके से खत्म करना होता है। जो अस्पताल इस बायोमेट्रिक कचरे को खुले में फेंकता है उसके खिलाफ भारत सरकार द्वारा बायोमेट्रिक कचरे मैनेजमेंट और हैंडलिंग कानून 1998 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। बात दीनानगर के सिंगोवाल स्थित सरकारी अस्पताल की करें तो यहां पर जनता के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए बायोमेट्रिक कचरा खुलेआम अस्पताल परिसर में फेंका गया है। बात फिलहाल के दिनों अर्थात कोरोना काल की करें तो इन सरकारी अस्पताल में रोजाना जाने कितने कोरोना वायरस पीड़ित मरीज अपना टेस्ट करवाने आते हैं। उन्हीं मरीजों पर प्रयोग किए टीके, हैंड ग्लव्स, सर्जिकल पाइप, चेहरे के मास्क तथा दूसरे सर्जिकल सामान खुलेआम सब फेंक कर अस्पताल प्रशासन बेखौफ होकर लोगों को इन्फेक्शन के जरिए कोरोना परोस रहा है। आखिर निजी अस्पतालों तथा क्लिनिक पर दंड तथा जुर्माना करने वाली सरकारी एजेंसियां क्या इस सरकारी अस्पताल पर भी कोई कार्रवाई करेंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आइए देखते हैं हमारे चैनल की टीम द्वारा सरकारी अस्पताल दीनानगर में खुलेआम फेंकी गई इन्फेक्टेड सर्जिकल आइटम की लाइव पोल कॉल कवरेज, जिसमें से ज्यादातर को शायद कोरोना मरीज पर भी प्रयोग किया गया हो सकता है। आखिर क्यों दीनानगर का सरकारी अस्पताल सरकार द्वारा मिशन फतेह को फेल करने में जुटा है, फैसला आप करें। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से जानते हैं कि जेड़ा डॉक्टर है उन्होंने एक परमात्मा का रूप मनिया गया, वो नाल नाल जेड़े हॉस्पिटल उन्होंने मंदिर गुरुद्वारे और चर्च के रूप से लोग मनते हैं। अज असं विशेष तौर पर खड़े हैं दीनानगर के सरकारी हॉस्पिटल के अजक जे इंस्ट्रूमेंट्स है उन्होंने वायरस होंगे या दूसरी चीज़ें होंगे जिसके कारण कि कई परेशानियां आदि ने। इस लिए सरकार वालों एक स्पैशल डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसके राही कि जोड़ा भी बायोमैट्रिक कचरा उन्होंने संभाल के रखना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल के एक बड़ी बल की इंगाली की जा सकती है। बायोमैट्रिक कचरा तो जोड़ा एक नसैसिटी है ही है, एक ऑफेंस है, एक कानूनी जुर्म है कि जो तुम कोई भी प्राइवेट ज सरकारी डॉक्टर उन्होंने सुटते हैं। बट अज सरकारी हस्पताल लोगों की जान खेलिया जा रहा और आओ देखने कि जो बायोमैट्रिक कचरा जिद राही कि किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और खास तौर से कोरोना के खास तौर पर कोरोना के जी सैनिटाइज किया जा रहा, बार बार चीज़ में किया जाता है ता जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम जी किसी क्रिएट ना हो, किसी को इस तरह की इन्फेक्शन जी दूसरे तो ना आ सके। मैं गुजारिश कराँगा कि जिस तरह अं देख रहे हैं कि ग्लूकोज से लगन वाली नीडल्स जड़िया ने वह भी जी कि बायोमैट्रिक कचरे के आदि हैं, जिसनों डिस्ट्रॉय करना और पंगोली स्थित जरा डिपार्टमेंट उत्तर सुटना चाहिए। और ये नाल देखो सब तो व्डा जरा जुर्म है वो ए नीडल्स जोड़े इंजैक्शन लगाए जाते हैं मरीजों, वो किसी भी इनू कोई हाथ लगा सकता, कोई बच्चा छेड़ सकता या कोई दूसरा छेड़ सकता, सफाई कर्मचारी छेड़ सकते लगा सकते जिदे राही कि करोना या दूसरे वायरस फैल सकते हैं। ये नाल ही है देखो वो ग्लास जोड़े हॉस्पिटल यूज़ किए जाते हैं इन्हों बिल्कुल कचरे च नहीं फेंकया गया, तो यही उ ग्लास में शामिल ने जिद कि हो सकता कि किसी करोना मरीज का भी ये कोई ना कोई जरा अंश आ रहा। ये नाल देख रहे हो कि मास्क वो मास्क जोड़े कि पाए जाते हैं ताकि किसी मरीज के नाल कोई मरीज की जी कीटाणु और दूसरे ना सकन, ये मास्क में भी सारे आम सुटा गया। जबकि बायोमैट्रिक कचरे के अनुसार इनू विशेष तौर पर बनाए गए सरकार वालों अप्लाई किए गए डिब्बों भी सुनना चाहिए। ये नाल मैं दूसरी चीज़ा भी देख रहा हाँ कि काफ़ी चीज़ा ने इतने पाँ कि बायोमैट्रिक कचरे के आदियां ने जिसनों की विशेष तौर पर पंगोली भेजना चाहिए, जिद सरकार दूसरे डॉक्टर या प्राइवेट सैक्टर के डॉक्टर से पाबंदी लगाती है। लेकिन दीनानगर सरकारी हॉस्पिटल में अब अं देख रहे हैं कि जिस तरह ये चीज़ा बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से लै सकती ने, जे इन कोई हाथ लगा दे। हाल तक वो प्रोडक्ट देखे से जेडे कि डॉक्टर्स द्वारा या सरकारी हस्पताल के स्टाफ द्वारा इस तरह डस्टबिन सुटे गए हैं, जिस तरह कि लगता है कि सरकार या डॉक्टर्स मरीजों की कोई जान की परवाह नहीं है। एक
खास तौर पर मैं शील्ड दिखाना चाहवागा जी कि करोना के दौरान टैस्ट लैन के दौरान डॉक्टर पहनते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई जी थूक है या कोई मूँह तो निकलने वाला सा या कोई भी वाश है वो इसके उत्ते पै जा चेहरे तो ना सकन क्योंकि काफ़ी हानिकारक होंगे ने। तो मैं लगता है कि हो सकता कि किसी टैस्ट दौरान ही पाया गया होगा और टैस्ट दौरान पाने के बाद भी देख लो कि यह शील जी इतने ही सरेआम सुती गई है। एक करोना वायरस किसी जानवर तो या किसी बच्चे तो या किसी और अनजान व्यक्ति के हाथ लगाने तो फैल सकता। डॉक्टर की इन रैली में देखते हुए कि लगता कि दीनानगर जो सरकारी हस्पताल है सिंगोला हस्पताल है इतों के डॉक्टर की जी है इन्नी लापरवाही जी है किस तरह पंजाब सरकार के मिशन फतेह में कामयाब होने देगी। हेलो हेलो डॉक्टर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। डॉक्टर डॉक्टर दौलत राम ही बोल रहे हो ना तुम जल्दी जल्दी सर बायो बायोमेडिकल वेस्ट ऑफिसर हो ना तुम। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर मैं दसो कि जे कचरा बायोमेट्रिक कचरा जरा है वो जे किसी हॉस्पिटल ने बाहर सुटेगा है नीडल्स है सिरिंजिस है या ग्लव्स है या शील्ड जी है करोना यूज होंगी है वो चीज सुटी थी की ऑफेंस है। अच्छा जी बाहर सुटी दी है। हाँ जी बाहर मतलब कि 10 फीट नहीं पाई थी बाहर सुटी दी है। बाहर सुटी नहीं सकते हो तो वायलेशन दे हॉस्पिटल दे गए की ऑफेंस बन सकता करोनी तौर पर कानूनी तौर पे बेसिकली डिपार्टमेंट तले तो उन्हें कवर कराएगा चुकाएगा तले उतों उस तो बाद फिर हॉस्पिटल दे जड़ी है वो कोई पेनल्टी वगैरह है ये भी काफी ठीक है इन्होंने एक्चुअली हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल ने छुट्टी है उन्होंने हॉस्पिटल की पोल्यूशन बोर्ड का ऑथराइजेशन होनी है उन्होंने इन्होंने रेंट गरंटी रखी होंगी अपने को ऑथराइजेशन ठीक है मतलब पोल्यूशन बोर्ड ने पेनल्टी लगा के उन्हें कैश कर लेनी। हाँ पोल्यूशन बोर्ड इन्वॉल्व होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पोल्यूशन बोर्ड ने सब तो पहले एक्शन करना है पहले हॉस्पिटल से करेंगे कि तो वेस्ट चेकिंग होगी उन्होंने होगी चेक करेंगे कि कितना वेस्ट जनरेट हो रहा पर डे कितना दे रहे हो कि बाकी कितने जा रहे हैं वेरीफाई करेंगे ठीक है। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी भाजी जाहिल हरपाल जी बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी पोल्यूशन बोर्ड तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर रिपोर्टर आनंद गल कर रहे हैं। सर पूछना सी कि जे कोई बायोमेडिकल वेस्ट या कोविड के दौरान जी चीजा यूज कर रहे हैं डॉक्टर जो वो हॉस्पिटल उन्होंने बाहर ओपन छोड़ देता सर की बनता कुछ था। हाँ हाँ बनता केड़ा उठा हॉस्पिटल ने छुटिया सर वो भी मैं दस देना सर की ऑफेंस बनता और की गाइडलाइंस होनी चाहिए ये बारे की कितने करना चाहिए उन्होंने। नहीं वो की कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट जी चुकानी पैंती है जरा आ चुकन आता इन्हों का सिंगोवाल गलती तो नहीं पावे गुनाह किया जा रहा है क्यों हो रहा मैं कमें सर मैं सर अच्छी थोड़ी जी खबर करना आई थी गल करा सिंगोवाल सरकारी हॉस्पिटल के एस एम ओ साहब दरबार जिना। हाँ जी सर बायोमेट्रिक वेस्ट की गल हो रही है कानून ऑफेंस है और खासकर कोविड चल रहा है इस दौरान जेडे हॉस्पिटल परिसर से देखी विदाउट डस्टबिन तो विदाउट किसी के जी छुट्टी मिली चीजा सर सर उन्होंने दबाव दिखाया कि जेडे ग्लव्स है या शील्ड है जी कोविड के दौरान भी यूज होंगे जब आप बायोमेट्रिक वेस्ट की गल चल भी रही है कोविड के दौरान भी यूज होंगे उन्होंने उस तरह खुले में चलिया गया तो की ये बारे की कहना सर। इस तरह है कि जो कोविड वो सा अलग हैगा वो सारा होया गया तो सिंपल ग्लव से मा जी ओ पी चे करके तीन कदमों सफाई किसी ने की है तो क्योंकि साढ़े जोड़े है वो पार्ट टाइम स्लीपर रखी हैं उन्होंने सफाई जो की है तो अगर तो नहीं होगी ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਲੱਗਾ ਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੰਗੋਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟਬੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਸਟਬੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਂਪੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਲਾਂਗ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਮੇਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿਨ ਕਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ